गुड मॉर्निंग जनता। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, राम राम। कैसे आप सब लोग? सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग अभी सुबह सुबह उठ गए हैं, रजाइयों में है। 11 बज चुके हैं। 11 नहीं बजे अब ब्रो, 11 नहीं बजे, इट्स ओनली 10। 10 ही बजे? इट्स ओनली 10। अच्छा, बकवास करी, इसकी बातों पे विश्वास मत कीजिएगा आप। गलत अफवाह फैलाती है। गलत अफवाह फैलाई तो हम लोग ये टोपा, वैसे इसका है, मैंने उधारा मांगा इससे, बहुत गर्म गर्म है ये ठंड। इसका है, मैंने इससे उधारा मांगा। तूने मेरे को बोला मेरी टोपी दे दो, मैं बोला मेरा चग्गा दे दे। तो आज हम इसलिए बकवास यहाँ बैठे कर रहे हैं क्योंकि रजनीश जो है वो भी घर से आए नहीं है। इनके तो, बंदे साहब जो है वो घर पे नहीं है, तो मैंने जगह घेरी हुई है आज यहाँ पे। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ी इस चीज का फायदा उठाया जाए, तो लेट जाया जाए, क्योंकि रजनीश होते हैं वो सुबह लग जाते हैं, जाना नहीं तुमने, खड़े हो जाओ, ये है वो है। तो हम थोड़ी सी लेट है और फटाफट उठ ले, इससे लेट हो गए ना तो चित्र बहुत पड़ेगा। ऑलरेडी आप नक तोड़ देना पादरी जी। सवेरे सवेरे यार ठंड है, बाहर धुंध है बहन, देख जरा। अब धूप निकली हुई है तेरी कुछ लगती मौसी? तो मौसी मेरी है नहीं यार, धूप को बना ले। तो चलते हैं, हम होते हैं रेडी, उसके बाद चलो जाते हैं। अब ठीक है, अब ठीक लग रहे हो? आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, सर्दियों में बालों का ये हाल होता है, लपेट के सोते हैं ऐसे, करंट लगता है बालों में, इतने बुरे हाल हो जाते हैं ना बालों के, रफ हो जाते हैं पूरे, सारी रात ऐसे ऐसे गुलचते रहते हैं बेचारे टोपियों के अंदर। उठ जाते हैं सुबह सुबह फेस पे ग्लो, वाह ग्लो, इन ग्लो किधर हो ही नहीं, चलिए जानता हम लोग ऑफिस के लिए तो हो गए रेडी, गालियां पढ़ने के काम कर रहे हैं क्योंकि लेट हो गए बहुत ज्यादा। ये देख ऐसे ऐसे कर रही है। चलो चलो छोटू लिया फोन। छोटू, विच छोटू यू आर टॉकिंग अबाउट? विच छोटू यू आर टॉकिंग? बेड पे पड़ा है आधा। तो भाई ठंड के मौसम में हम लोग निकल चुके हैं सैलून के लिए, पहुंचने वाले हैं वैसे, पहुंच गए आधे रास्ते, पहुंच गए आधे रास्ते पहुंच चुके हैं। और ऐसा लग रहा है कि धूप में बैठे रहे, यहाँ इतनी अच्छी धूप है ना निकली, अब ठंड होगी अब। सही बात है, वेदर मेरा मुंह देख कैसे लाल दिख रहा है इसमें, अब मत बोलना इतना मेकअप है, सिर्फ लिपर है, वो धूप की वजह से दिख रहा है, इधर को के कम दिखेगा। हेलो हेलो, तो भाई हमारे साथ आए हैं जयपुर से, आपका नेम डियर? अनु सोदी। तो व्लॉग देखते हैं आप? यस, मैं डेली व्लॉग देखती हूँ, और ये सैलून लाइक जब उसकी एक एक चीज स्टार्टिंग से बन रही थी, मैंने इसको तभी देखा, और अभी मुझे बॉडी शेप क्यों पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, लाइक एक्चुअली होता है कि जब हम किसी को डेली देखते हैं और फिर वो सामने हो तो थोड़ा सा सब होता है, बट डेली मैंने यहाँ से हेड वॉश करवाया है, अभी मुझे अपर लिप्स वगैरह और भी कुछ चीजें करवानी है। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और लाइक रेट्स भी बहुत रीजनेबल है, मुझे लगा था कि इतने नहीं होंगे लाइक, बट सही में बहुत अच्छा है, इट्स गुड एक्सपीरियंस, थैंक यू। तुसी बोल सकते हो? थैंक यू सो मच करण। एक्चुअली एक करण दे पायल ने फ्रॉम कैनेडा ब्रैम्पटन, और इन्होंने मैनू कॉल करी सी, मैं पिछले 15-20 मिनट तो गल कर रही हूँ कॉन्टिन्यू, बहुत वधिया लग गया, 19 मिनट हो गया एक्चुअली, और बहुत वधिया। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सो मच डियर, तुसी इन्ना ज़्यादा प्यार कर दे हो, और सुबह के व्लॉग से तुसी आ गए, तुसी कहा सी मेंशन, मैं कहा चलो मैं एक टेक ही ले लेनी हूँ। ठीक है डियर, थैंक यू डियर, ओके डियर, टेक केयर, बाय बाय। तो भाई हमारी स्वाति मैडम का वॉश हुआ है क्योंकि इसके डैंड्रफ है, तो इसके हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं डैंड्रफ का। जुए नहीं,
डैंड्रफ का ट्रीटमेंट चलता है स्वाति का, तो यहाँ वॉश होता है। तो इसको मैं बोल रही हूँ कि ये जो तूने चाय खराब की ना, 15 रुपए आज ना दिए ना तूने मेरे को इस चाय के, 10 रुपए बोला है, 5 रुपए बढ़ा दिए। मेरे को बाद में ही आना है, ये बड़ा मग है। देख कितनी ठीक की चाय थी, मलाई देख ऊपर आई, 15 रुपए की है ये, 10 रुपए से बिल्ले 15 की है, 10 की है बिल्ले। 1 मिनट तू इधर मुंह के दिखा माड़ा जा, इधर मुंह करी, 1 मिनट करके दस्यो आ मुंडा कि वर्गा लगता है, इधर नू देख सीरियसली। बहुत मतलब मैं, मेरे को लगता है ना, मैं बोलूंगी नहीं अभी, और सब लोग बताना कि ये लड़का कैसा, मतलब कोई सिंगर या कोई एक्टर कैसा दिखता है ना स्वाति। तो अभी मेरे साथ मौजूद है हमारे सिंगर, तो इनका नाम मैं नहीं बताऊंगी, नाम आप खुद सजेस्ट करना कि इनके ऊपर इनको देख के कैसा लगता है, कि कौन सा नेम इनके साथ सूट करता है, कौन से सिंगर का, मैंने पहले भी पूछा था। तो अभी ये थोड़ी देर में हमें बहुत अच्छा सा सॉन्ग सुनाएंगे, गा नहीं रहे बट मैंने बड़ा ही इनको पोस्ट किया है, तो अभी गाएंगे। तो भाई आज काफ़ी काम काफ़ी चल रहा है, क्योंकि न्यू ईयर की वजह से वो रहता है ना कि लोग तैयारी कर रहे हैं, स्टाइलिंग करवा के जा रही हैं लड़कियां, शाम को पार्टी भी है, तो बाहर सारा काम चल रहा है। और मैंने और स्वाति ने अभी अभी शाम को बज चुके हैं 4, और अभी बर्गर मंगवाया, क्योंकि मैं सुबह भी कुछ ही नहीं खा के आई थी, चाय पी थी, और अभी मैं बर्गर मंगवाया। खाना तूने बर्गर खा ले, चोरों की तरह देख रहा, खा भी ले, हम खा लेते हैं फिर। तो स्वाति पता नहीं कहाँ चलेगी, समर स्वाति को बुलाना। तो बर्गर और साथ में आई है कोल्ड कॉफी, तो पी लेते हैं और साथ में बर्गर खा लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं अपने, बहुत दिन हो गए एक्सटेंशन रिमूव करवाए हुए, तो मैं सोच रही हूँ आज मैं भी अगर शाम को कहीं जाना पड़ा तो मैं रिमूव करवाए हुए एक्सटेंशन दोबारा लगवा लेती हूँ, क्योंकि अब मेरे बाल जो हैं वो यहाँ से भी रिलैक्स भी हो गया, और वैसे भी मेरे बाल जो थे, एक्चुअली हुआ क्या था कि एक्सटेंशन जो थे वो नीचे आ गए थे, ग्रोथ अच्छी थी, इतने नीचे आ गए थे, तो फिर वो स्टाइलिंग में ऐसे दिख रहे थे, तो मैंने सोचा उनको रिमूव करवा के दोबारा लगवा लेती हूँ। आज मैं दोबारा करवाती हूँ, पहले कुछ खा पी लेती हूँ। सो अभी मैंने जैसे कि बर्गर वगैरह खाया, और उसके बाद अचानक से एक गेस्ट की एंट्री हुई है हमारे पास, हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं हर्षित और कार्तिक, और हर्षित का भी चैनल है एक्चुअली। हर्षित को मैं ही बोल रही हूँ कि आप ना, क्योंकि ये बहुत अच्छे फिटनेस को लेके बहुत ज्यादा वो रहते हैं, और जिम भी है इनका, वैसे बेसिकली जगराओं से है ना, तो मेरे को ये लगा कि मैं इनको बोल रही हूँ कि आप लोगों को मोटिवेट करो, हम जैसे लोगों को, कि जो ऐसे मोटे मोटे लोग मोटिवेट कर रहे तभी तो तभी मैंने बोला कि आप मोटिवेट करो लोगों को, बताओ कि पतले कैसे होना है। तो इनका एक चैनल है, और हर्षित बताएंगे चैनल का नाम भी, और फिर आप जाके फॉलो करो, सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ में लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो मेरे भी चैनल को और इनके भी, और देख लेना कि व्लॉग बहुत अच्छा बनाते हैं, और फिटनेस को लेके, अगर किसी ने कोई भी किसी तरह की किसी गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस लेनी है, तो आप इनको एक DM भी कर सकते हो इनका, वो अपने आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे अपने इंस्टा का भी, और चैनल का नाम बता दो हर्षित। बाकी तुसी होप सारे जने कैम होंगे, ठीक होंगे, मैंनू पंजाबी आ भी आती है, यहां भी पंजाबी बोलते हैं, वो पंजाबी है बट कई वो हिंदी च थोड़ा जा हाथ तंग है, मदर टंग शुरू तो पंजाबी बोलदा रहा मैं, ठीक है। ते फिटोग्राफर मलिक दे नाम ते इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब ते मेरा हैंडल है, तुसी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, ज्यादा वधिया ब्लॉगर तां मैं नहीं हैगा बट ट्राई करदा ओदे कोलो बेस्ट करन दी, ठीक है। फॉलो उधर जनाब ने भी कुछ बताना है। हेलो हाय, दिस इज कार्तिक गांधी, लायर तो और मैं इनके जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहां से आप ले सकते हो लिंक और जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं, अब इनका कटवट करवाते हैं कि, और उसके बाद फिर मैंने अपना एक्सटेंशन करवाना है। स्वाति मैं ना सुना है ना, फिर देखियो यार सुनाने लगा वो तुसी ओनु एही तंग कर सुना दे, सुर उच्चा लाई तो मैं छां बन जावा, तेरी खुशियों के खातिर मैं सारे जग से लड़ जावा, है यही मेरी आरजू कि तेरा ही मैं साथ दूं, तेरा बन के रहूं सदा मैं परछावा, तू
मेरी हीर मैं तेरा राजा करता हूँ मैं तुझसे ये वादा। बिल्ले क्लास कब दे रहा है यार हमें हमें तुमसे क्लास यार क्लैप भी नहीं कर सकते इतना अच्छा गाना गाया बच्चे ने। अब हमें क्लासेस देनी है तूने डेली डेली क्लासेस। बिल्ली एक सॉन्ग वंस मोर मेरी नींद लै गया रातां दी मैं भी लुट के ओदा चैन वैन सब लै आईया संग दी बुला चोहा के आईया मैं भी संग दी बुला चोहा के आईया। वाह 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 वेरी नाइस टुपा रुस्तम निकला यार ये तो क्या हाल बना के लाया अपना तू देवन शक्ल तो दिखा दे ये तो शक्ल भी नहीं दिखा रहा है अरे कुछ नहीं कर रही बहुत ही प्यारा लग रहा है देवन तुझे किसने आइडिया दिया था ये खुद ही कर रहे थे मैं अंदर गई मैं कहा तुम लोग क्या कर रहे हो तो फाइनली मैंने अपने हेयर एक्सटेंशन करवा लिए अभी आप देख सकते हो पहले वाला मेरा जो बाल थे मुझे सूट नहीं कर रहे थे एक्चुअली तो मैंने ऐसे से दोबारा करवा लिए और मुझे सुकून मिल गया एक्चुअली स्वाति कि जिस दिन से मैंने रिमूव करवाया था मुझे मेरी शक्ल ही अजीब लग रही थी ऐसे लग रहा ना खाली हो गया ना सारा अभी नॉर्मल हो गई बैक टू ना तो मैं फोन नहीं कर पा रही थी ना मैं कुछ स्टाइलिंग कर पा रही थी तो वैसे ही ये मर्ज हो गए हैं क्योंकि मैंने खुद के जो रिमूव करवाए थे वही रीफिल करवा लिए अच्छी लग रही है मैं पार्टी के लिए रेडी हो सकती हूँ। तो भाई रजनीश जी जो हैं वो दो दिनों के बाद आ चुके हैं वापस वेलकम बैक नन्ना। हेलो तो नन्ना आज ना एक कॉल आई थी अपने सब्सक्राइबर की कनाडा से करण नाम है उनका और वो मैं कुछ बात कर रही थी मैंने बोला रजनीश जी तो ही सेड कि नहीं नन्ना सत्य उन्होंने बोला कि नन्ना जो है मतलब नहीं वो बात कर रहे थे बड़े अच्छे से उन्होंने बात की काफी टाइम हम लोग बात करते रहे काफी तारीफ कर रहे थे वो कहते कि जैसे आप लोग हैं आप लोग वैसे ही शो करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है उनको मतलब आज और जो एक हाँ और उनकी वाइफ ने एक्चुअली बात नहीं की उनका नाम है पायल तो वो बोलते कि वो थोड़ा शाय फील करी वो पीछे बैठे हंस रहे थे साथ में और कनाडा से थे मतलब वो बोल रहे थे कि अभी वो ड्यूटी से आए हैं फिर भी देखो उन्होंने बात की। उसके बाद आए जयपुर से एक और नॉन उनका क्या नाम था स्वाति उन्होंने हमें टैग किया हुआ है उसमें ना हाँ तो वो भी मतलब बहुत अच्छी थी बड़ी प्यारी सी लड़की थी वो और सर्विस भी ली उन्होंने और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आए हुए थे जयपुर से बहुत भीड़ आ रही है मेरे को अंबाला से यहां तक 1.5 घंटा। तो हमने पहले एक्चुअली प्लान बनाया था कि हम लोग कहीं बाहर जाएंगे एंजॉय करने के लिए बट अभी रजनीश जी के एक फ्रेंड है तो उनके साथ बात हुई तो क्लब है उनका तो उन्होंने बोला कि अगर बच्चों को लेकर भाभी को लेकर आना तो आज मत आना क्योंकि आज क्राउड बहुत ज्यादा और फिर कोई फायदा नहीं इंजॉय नहीं कर पाओगे क्योंकि सब लड़के लुड़के सब इकट्ठे हो जाते हैं बोलते हैं कि इंजॉय वो लोग इतना करते हैं कि आप लोग फिर वो अच्छा नहीं लगेगा आपको कि थोड़ा भीड़ ज्यादा है सबको सूचित किया जाता है कि नेक्स्ट वीक मैं कश्मीर जा रहा हूं। चलो जाओ बाय। तो अभी हमारी सोसाइटी में एक फंक्शन हो रहा है अभी इन्फॉर्मेशन मिली है हमें नक्कू से तो अभी जाते हैं स्वाति सोसाइटी में। हेलो तो हम लोग अभी सोसाइटी में जाते हैं वहाँ करते हैं एंजॉय सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर कैसे करते हैं वहाँ भी देखते हैं क्या कर रखा है उन्होंने फिर मिलते हैं आपसे।
डरेगा फिर नीचे जाएगा, वहां जाके छुप गया, अंदर घुस गया पूरा। टाको तो चला ही नहीं आज, एक चला था पता नहीं कहां से चला था। चलाएंगे दीदी हैप्पी न्यू ईयर वाले, लोग जल्दी नहीं बैठ गए, वो वेट कर रहे हैं कि कब 12 बजे और कब हम पटाखे जलाएं और कब हम बोले हैप्पी न्यू ईयर। तो हमारे और से हमारी पूरी फैमिली की और से सबको नए साल की शुभकामनाएं, और आप भी दे सकते हो नए साल की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। आर यू अ किड? हमारे और हमारी फैमिली की ओर से आप सबको नए साल की शुभकामनाएं, और दुआ करते हैं भगवान के आगे लिए अरदास है परमात्मा जी अल्लाह कि वाहेगुरु जी सारे नु खुश रखन, आने वाला साल सारे दी लाइफ च बहुत खुशियां लेके आए ते सुखां वाला होए सबको। एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम लोग नाच नूच के और हालत देख सकते हो, लोग सोसाइटी में क्या होता है कि लोग जानते नहीं हो यार, देख रहे अच्छा आप तो रीत हो ना, अच्छा फोटो में बोली नाचते नाचे और इतना नाचे मैं और स्वाति इतना नाचे लोग सोच रहे स्वाति तो ऐसे कर रही थी ना, तो सबको लग रहा था कि ठीक है नाच रही, लग बोल रहे होंगे कि पैग चढ़ा के आई हैं और फिर नाच रही, इनको नहीं पता ये पैदाइशी वो है नाचने गाने में इंटरेस्टेड नहीं इनको, फालतू का नशा रहता है सरूर जिसको बोलते नहीं। हमें मक्के की रोटी चढ़ गई थी, थोड़ा सा साग चढ़ गया सी, मक्की की रोटी खाती हूं चढ़ी।